सात फेरे लेकर सुरक्षा का वादा करने वाले पति ने ही बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश जारी है। पानसिमल थाना अंतर्गत ग्राम ओसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर किसी बात को लेकर हुए विवाद में पति रैल सिंह ने अपनी पत्नी सुमन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। खेत में हुए विवाद में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर फरार हो गया, जिसके बाद पत्नी को उपचार हेतु पानसिमल अस्पताल लाया गया। यहाँ से गंभीर अवस्था में बड़वानी रेफर किया गया। उपचार के दौरान बड़वानी ले जाने के दौरान ग्राम मोइदा के आसपास महिला की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पति पर 302 के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी पति की तलाश की जा रही है। वहीं घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पानसिमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। आज ओसवाड़ा से एक भाई को उसके आदमी ने सिर में कुल्हाड़ी मारकर चोट पहुंचाई थी। उसको इलाज के लिए पानसिमल अस्पताल लाए थे। यहाँ से इलाज कराने के बाद बड़वानी इलाज के लिए लेकर जा रहे थे। उनके परिजन मोइदा में उसकी मृत्यु हो गई। वापस अस्पताल लाए, उसमें मर्ग कायम करा और अपराध धारा 302 का कायम करके विवेचना में लिया है। सर आरोपी का है? आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।